हेलो एवरीबॉडी, इट्स गुड टू बी हियर। आप सबको आज शाम का सलाम, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं आप सबके दरमियान यहाँ पर हाजिर हूँ। एंड वी आर लुकिंग एट अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट टुडे। द टाइटल इज कम्युनिकेशन। आज का जो हमारा सबक शुरू होने वाला है वो सारा कम्युनिकेशन पर आ रहा है। मतलब जो बड़ा ही दिलचस्प मजमून है वो है कम्युनिकेशन, यानी आपकी आपस में जो कम्युनिकेशन होती है उसी के ऊपर। And we're really looking at the way that Jesus communicated with people. वाह, तो आज जो हम दर हकीकत जो तालीम हासिल करेंगे, हमारा वो मौजू है कि हम बातचीत करने का जो तरीका खुदा यीशु मसीह का था, जो वो लोगों से जिस तरह हम कलाम होते थे, हम उस नुक्ता नजर को सीखें। And I'm very excited about this subject. It's very interesting. Wow. और मैं जाती तौर पर इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा पुरजोश हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। So I'm just going to share my screen with you. मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा। You know, it takes me a little while to get there. सबको Here we are. Communication. तो जो आज का हमारा मजमून है वो है मुआसलात। And we're looking at the simple teaching methods of Jesus. और हम खुदा यीशु मसीह के जो बड़े ही सादा तर्ज तरीका था तालीम देने का वो सीखेंगे। And I want to give you 10 simple ways that Jesus taught people, and they can help us so we can use these same methods ourselves. और मैं आपको 10 ऐसे आसान तरीकाकार बताऊंगा जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी में ज़ाती तौर पर आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों बताऊँ, ये मसीह जिनको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते थे लोगों से हम कलाम करने के लिए। When you read the Gospels, you find that Jesus told a lot of parables. जब आप अंजील मुकद्दस को पढ़ते हैं तो आप वहां पर बहुत सारी तमसील को जानते हैं, आप वो पढ़ते हैं जो खुदा यीशु मसीह ने बयान की। And these were short, simple stories, but with very important lessons. और ये बड़ी ही सादा और मुख्तसर कहानियों पर मबनी होती है जो कि इख्तिताम इनका सबक पर होता है। And a good example would be the story of the Good Samaritan in Luke chapter 10. और लूका उसका 10वें पाप में हमें नेक सामने की कहानी मिलती है। और You know, this man is going along the road, going from Jerusalem and Jericho, and he gets attacked by robbers. यहाँ पर हम देखते हैं इस कहानी में हमें मिलता है कि एक नेक सामरी जो होता है वो यरूशलेम से वो यरू की तरफ जा रहा होता है, तो वो चंद लोग उसे मिलते हैं, बागी लोग। And all the religious people walk past him and leave him. और वो जो बागी लोग होते हैं वो उसे बड़ा ही ज्यादा उस पर तशद्दुद करते हैं, और जो मजहबी रहनुमा होते हैं वो उसको देखते हैं लेकिन उसको उसी सूरत हाल में छोड़कर आगे चले जाते हैं। But a good man, a good Samaritan, came and rescued the man and वाह, put him on his donkey and took him to an inn. लेकिन जो अच्छा सामरी होता है वो दर हकीकत क्या करता है, वो उसकी कब्र लेता है, वो उसके पास आता है, अपना गधा उसके पास लेकर आता है, उसको उस पर डालता है और उसको लेकर जाता है वहां से। And Jesus told that story because somebody asked him a question.
खुदावन यीशु मसीह ने ये सवाल दर हकीकत इसलिए बयान किया कि किसी ने खुदावन यीशु मसीह से एक सवाल किया था, ये कहानी किस वक्त बयान की, We know that we should love our neighbor. और हम ये जानते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने ये बयान किया कि हम अपने हमारे जो इर्द गिर्द है वो हमारे हमसाया रहते हैं। And Jesus said, or the man said, Who is my neighbor? Who is my neighbor? तो वो जो शख्स था उसने खुदावन यीशु मसीह से सवाल किया कि कौन है मेरा हमसाया, यानी कौन है मेरा हमसाया। And this story showed us that everybody's our neighbor, whoever we come in वाह, contact तो with. और ये जो कहानी है वो हमें जो हकीकत बयान कर रही है वो ये बताना चाहती है कि ना, ये जिस शख्स का घर हमारे घर के पीछे है वही सिर्फ हमारा हमसाया नहीं है। दर हकीकत हर वो शख्स जिससे आपका वास्ता पड़ रहा है, हर रोज या गुजरते या किसी भी सूरत हाल में, वो शख्स आपका हमसाया कहलाता है। And whoever we come in contact with, it doesn't matter what country they come from, what race they are, or whether they're men or women, we are to treat them with love and kindness. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो शख्स औरत या मर्द, उसका ताल्लुक किस शहर से है, किस मुल्क से है, किस कबीले या किस जात से है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने उससे किस तरह का माहौल रखना है, यानी किस तरह आपने उससे बात करनी है, किस तरह आपने उसको महसूस करवाना है। तो खुदावन यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कैसा भी शख्स क्यों ना हो, आपने उसके साथ मोहब्बत से पेश आना। When I lived in Africa, I used to write for the national newspaper. जिस वक्त मैं अफ्रीका में रहता था वहां पर मैं नेशनल न्यूज़पेपर के लिए लिखता था। Every week they would give me a little column and I would write a little Bible verse and a और story. ओ वाह, और हर हफ्ता वो मुझे एक छोटा मुख्तसर एक कॉलम होता था वो लिखने के लिए मुझे देते थे, और मैं क्या करता था उसमें जब मैं कहानी कोई लिखता था उसके अंदर मैं एक बाइबल की वर्स जरूर लिखता था। And this newspaper went all over the country. It was the only newspaper, and people could read it and read the Bible verse and read the little story. और देखिए वो जो न्यूज़पेपर था, वो जो अखबार था, वो पूरी उस मुल्क में जाता था, और वो एक अखबार एक कैसे खुदा की खिदमत का बायस ठहरा मेरे लिए। उस अखबार के वजह से लोग जब उस अखबार को पढ़ते थे तो वो सब लोग खुदावंत की जो आयत थी, वो वर्स थी, उसको भी वो पढ़ते थे। Because stories fix in your mind. You can't get stories out of your mind. जो कहानी होती है वो हकीकत में आपके जहनों में नक्श कर जाती है, और कहानी जब आपके जहनों में नक्श करती है एक बार तो वो उधर से जल्दी बाहर नहीं आती। And it helps us to explain big ideas, but in a Exactly. simple way. और वो आपकी मदद करती है कि आप बड़े बड़े जो आइडियाज हैं वो आप बयान करें, और बड़े ही सादा अंदाज। When I lived in Malawi, I found that if you ask an African a question, often they would answer by telling you a story. जिस वक्त मैं मलावी में रहा करता था वहां पर मैंने एक चीज दरियाफ्त की, मुझे ये जानने को मिला कि जब भी आप वहां पर किसी से कोई सवाल करते हैं तो वो आपको उसका जो जवाब है ना वो इस तरह से बयान करते हैं कि कोई कहानी हो जैसे। And that's exactly What the Lord Jesus did, he answered questions very often with a story or a parable. और ये बिल्कुल इसी तरह का जो तर्ज अमल है वो खुदावे यीशु मसीह का था। जब भी खुदावे यीशु मसीह से कोई सवाल किया जाता था तो वो उसका जो जवाब था वो मुख्तसर नहीं देते थे, वो एक कहानी की शक्ल में बयान करते थे। When I was younger, I used to go and speak every year at a Big convention in England. जिस वक्त मैं नौजवान था उस वक्त मैं एक बहुत बड़ी कन्वेंशन हुआ करती थी इंग्लैंड में, मैं वहां पर जाता था। And I was always the first speaker, and I would preach the gospel. कलाम के लिए मैं वहां पर जाता था, कलाम सुनाने के लिए, तो मैं वहां पर पहला बंदा होता था, पहला स्पीकर होता था जिसने खुदा के कलाम की मुनादी करनी होती।
But I always told stories. और मैं उसका आगाज एक कहानी से करता था। And so they kept asking me to come back the next year so I would tell more stories. वाह। और मैं चूंकि वहां पर आगाज भी कहानी से करता था, उनको कहानियां सुनाता था कि वो दिलचस्पी लें, इस वजह से वो मुझे फिर बाद में कहते थे कि अगले साल भी आप दोबारा आइएगा। You can collect your own stories of things that happen in your life or you read about, and it will help you explain the good news of Jesus to people. क्योंकि आप अपनी कहानी खुद भी बना सकते हैं, जैसा कि आपकी जिंदगियों में कोई ऐसी चीज का हो जाना, या कोई ऐसा आपने कोई ऐसा हादसा पेश आए, या कोई वाक्य आपकी आंखों के सामने हो, आप उनको खुदावंद मसीह के बारे में बयान कर रहे हो, बहुत सारी ऐसी वजूहात की वजह से जब आप जाती तौर पर जिनका आप तजर्बा करते हैं, आप उनको जब बयान करते हैं तो एक कहानी की सूरत इख्तियार कर जाती है। It would be good homework for you to read the Gospels and see how often Jesus simply told stories. और ये आपके लिए बहुत ही आसान सबक होगा कि आप घर से करेंगे, जो वो ये है कि आप अंजील को पढ़ें और देखें कि खुदावंद यीशु मसीह कितनी मतलब मौत पर खुदावंद यीशु मसीह कहानियां बयान करते हैं, और बड़े ही सादा अंदाज में वो उस कहानी को दूसरों को जवाब की सूरत में पेश करते हैं। Sometimes people can get bored with just preaching, but when preaching has stories, it's always interesting and people come देखिए, alive and listen. जब आप अंजील की बुनियादी कर रहे हैं, आप अंजील को बयान कर रहे हैं, तो आप अगर उसको तरतीब से लेकर चलते आ रहे हैं तो वो बाज अकात सुनने वाले होते हैं उकता जाते हैं, लेकिन जैसा ही आप उसके अंदर कोई कहानी को लेकर आते हैं या कोई वाकया पेश करते हैं तो लोग उसको बड़ी दिलचस्पी से सुनना शुरू कर देते हैं, तो वो उसको बस उसको अपने जहन में बिठाते हैं कि अब आगे क्या होगा। तो ये जो तरीका कार है कि सबसे ज्यादा दिलचस्प है, So that's number one. ये पहला था। And number two is ask questions. और दूसरा जो है वो है सवालात का पूछा जाना। Jesus asked a lot of questions. बताऊं ये सिंसी तरह हकीकत बहुत सारे सवाल पूछते थे। That's a great Bible study to go through the four Gospels and see how many times Jesus would ask people questions. आपके लिए ये बाइबल को पढ़ने का बड़ा अच्छा मुनफरिद अंदाज होगा कि अगर आप बाइबल को पढ़ें और आप उधर इस बात को देखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने कितनी दफा लोगों से सवाल किया। For example, in Matthew chapter 16, he said, "Who do you say that I am?" और मिसाल के तौर पर मत्ती 16 बकरूस की 15वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह बयान करते हैं कि तुम क्या सोचते हो, मैं कौन हूँ। They did a survey of famous preachers who are still remembered after many years. And one common thing about these famous preachers was that they asked a lot of questions. और देखें ये जो बहुत एक सर्वे था फेमस, उसके थ्रू हमें इस बात का अंदाजा होता है कि एक जो मशहूर एक मुफल्लक है जिन्होंने बहुत साल जिन्हें याद किया जाता है, और इनके बारे में एक बात आम हो जाती है और उनके बारे में फिर सवाल पूछे जाते हैं। In my own city of Liverpool, two people went to preach in the open air. जहां मैं रहता हूँ जिस शहर में लिवरपूल में, वहां पर दो लोग जो हैं वो जाते हैं खुदा के कलाम की मुनादी करने के लिए खुली फिजा में। The first man was just learning how to speak to people outdoors in the open air. जो पहला शख्स है वो इस बात की तैयारी करता है, याद करता है, सीखता है इसके बारे में कि किस तरह लोगों से हम कलाम हुआ जाए खुली फिजा में। And then he didn't get many people stopping to listen because people could stop if they were interested. और फिर क्या उन्होंने बहुत सारे लोगों को सुनने के लिए वहां पर
नहीं रोका, यानी उन्होंने लोगों को वहां पर नहीं रोका इस वजह से कि उन्होंने ये देखा कि लोग दिलचस्पी रखते हैं तो वो खुद रुक सकते हैं। Then his friend, who was with him, who was more experienced, said, I'll take your message and I'll preach it, and I want you to watch very carefully. और जो दूसरा उनका तजर्बा शुदा एक दूसरा दोस्त था, वो उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हारे कलाम को लूंगा और तुम्हारे कलाम को उसको उसकी मुनादी करूंगा, लोगों तक पहुंचाऊंगा ताकि वो एहतियात से इसको देखे। And the older man preached the same message, but the numbers greatly increased of people listening. और देखिए वो जो पहला शख्स था, उस बड़े आदमी ने उस पैगाम को बड़े बयान जिस वक्त किया, उसी पैगाम को जब उसने पैगाम को बयान किया तो क्या देखे कि बहुत सारे काफी तादाद में लोगों का वहां पर इजाफा होता जा रहा था। Why did the numbers increase? Because it was just the same message. और क्यों वहां पर लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी? क्योंकि वो जो कलाम था वही था। Well, the older man said, what you must do is ask questions, ask questions, ask questions. और वो जो बड़ा शख्स था, बड़ा आदमी था, उसने ये बयान किया और उनसे कहा कि आपने एक चीज जो लाजिम तौर पर करनी है वो ये है कि आपने सवालात को पूछना है, सवाल पूछने हैं और सवाल पूछना है। One of the great secrets of great preachers is that they always ask questions. अरे जो एक जो बहुत बड़ा खुफिया राज है वो ये है, एक बहुत बड़े खादिम का वो ये है कि वो हमेशा सवाल पूछते हैं। Even if you're just sharing the good news of Jesus with one other person, you can ask great questions. और ये सिर्फ यहाँ तक ही क्यों ना हो कि आप किसी एक शख्स से खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी ही क्यों ना बयान कर रहे हो, उससे भी सवाल किया जाए। There was a man in Australia, एक शख्स जो ऑस्ट्रेलिया में रहता था, and he used to go out at night and he would stop 10 people. और एक वो क्या करता था, वो हर रात को बाहर जाता था और जाकर 10 लोगों को रोकता था। And he would say, excuse me, but if you died tonight, would you go to heaven or hell? और वो क्या करता था, लोगों से किस तरह बात करता था, उन्हें कहता था कि माजर के साथ मुझे बात बताएं कि अगर आप आज रात इंतकाल कर जाएं तो आप आसमान में जाएंगे या दोजख में जाएंगे। And he did this for many, many years. और उसने ये अमल बहुत अरसों तक करता रहा। And later on in life, he discovered that people had really thought about the question, and many had become Christians. और बहुत अरसे बाद उसने अपनी जिंदगी में ये बात जानी, इस बात को उसने दरियाफ्त किया कि लोग वाकई ही सवाल के बारे में सोचते हैं और बहुत सारे लोगों ने मसीहियत को कबूल किया। Then number three, तीसरा नंबर, Jesus used everyday examples. बताऊं ये मसीह हर रोज रोजमर्रा की जिंदगी में मिसालों का इस्तेमाल करते थे, यानी वो मिसालें देते थे। He used things from everyday life to explain his teachings. और वो रोजमर्रा में जो चीजें होती थी, यानी रोजमर्रा आपकी जो अमली तौर पर चीजों का आप इस्तेमाल करते हैं, वो उनका इस्तेमाल करके मिसाल देते थे। For example, in मिसाल के Matthew तौर पर chapter 17, verse 20, he said, faith is like a little mustard seed, just very small. देखिए, खुदा के कलाम हमें बयान करता है मत्ती सबका बाप उसके 20वीं आयत में कि राई के दाने जैसा ईमान। And what Jesus was showing was, it's just a little faith in a great big God. That's what works. देखिए ये हमें क्या बयान करता है, तो ये बताता है कि जरा सा भी अगर आप में ईमान है तो खुदावंद यीशु मसीह और जो हमारा खुदा बड़ा कसरत का खुदा है वो भी हमारी जिंदगियों में काम करने की कुदरत रखता है, सिर्फ एक जरा से ईमान की वजह से। And Jesus talked about sheep and he talked about goats
and shepherds everything the people knew about and saw every day. भेड़ की चरवाहे की इन सब की बात बकरियों की बात करते थे, वो इसलिए बात करते थे कि लोग जो थे वो इनके बारे में जानते थे और वो इनको रोज मरा यानी वो हर रोज भेड़ बकरियों और चरवाहों को देखते थे। One day, I was preaching in the open air in Malawi, in a village, an African village, and I was talking about sheep and goats. और एक बार मैं खुले मजमे में यानी खुली फिजा में वहां पर मैं खुदा के कलाम को बयान कर रहा था अफ्रीका में मलावी शहर में, वहां पर मैं भेड़ बकरियों की बात कर रहा था। That God's going to separate the sheep from the goats. तो मैं उनसे बयान कर रहा था कि खुदा बकरियों को भेड़ों को और बकरियों को अलग कर देगा। And as I was speaking, a flock of goats came speaking, walking right through the middle of my talk, right through the audience. और जिस वक्त मैं उनसे हम कलाम कर रहा था बोल ही रहा था तो कि क्या हुआ, वहां पर एक जो पेड़ है वो हमारे दरम्यान यानी उस मजमे के दरम्यान आ गई। So I don't remember all the details, but you know, it's true that God gives visual aids to help people understand the teaching. और मुझे तफसीलात नहीं पता उसके बाद की, लेकिन मैं क्या बयान करना चाह रहा हूँ वो ये है कि खुदा लोगों को वाकई ही समझाना चाहता है, लोगों की मदद करता है कि वो उसके कलाम को सीखे कि वो क्या बयान करता है। And then number four, Jesus did teaching by example. और चौथे नंबर पर क्या आता है कि खुदा में यीशु मसीह जो तालीम देते थे यानी जो सिखाते थे वो मिसालों के जरिए सिखाते थे। And what he did in John chapter 13, he washed his disciples' feet. और हमें क्या मिलता है यूहन्ना की अंजील उसके 13वें बाब में कि खुदा यीशु से अपनी शकीर्द के पांव धोता है। Because the roads were very dusty, and when people came to your house, their feet were probably covered in dust. So it was very polite for the servants to come and wash your feet, and that Jesus took upon himself that role of a servant. देखिए क्योंकि जो सड़कें होती हैं वो बड़ी ही गंदी थी, दर्दनाक थी, और जो लोग घर में जिस वक्त आते हैं तो वो पाँव गंदे होने की वजह से वो फर्श भी गंदा हो जाता है, तो ये काम नौकरों के लिए उसको बढ़ा देता है। तो खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर आजिज़ी का अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर इतना तो आजिज़ कर लिया कि उन्होंने अपने आप को एक खादम की सूरत में उनके सामने पेश किया कि उनके पांव धोकर इस बात को बयान किया कि खुदा ने उसे खिदमत के लिए आए तो वो हर वो अमल सर अंजाम दे रहे हैं। So, you know, it's a wonderful thing. People will learn so much by your example. तो ये बड़ी ही शानदार मिसाल है कि खुदा में यीशु मसीह आ के अमल से, खुदा में यीशु मसीह जो अमल करते थे, उन मिसाले देते थे, उनकी वजह से वो तालीम देते थे दर हकीकत। I read about a leader of a great international missionary organization. मैंने एक बार एक बड़े आ एक बैनल अक्वामी जो रहनुमा है उनके बारे में पढ़ा जो के बहुत बड़े इंटरनेशनल मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन के थे। हाँ And when they had their national conference, जिस वक्त उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी the leader, he would be always the one who went and cleaned out the toilets. ओ वाह, और जो उनका कार्य था वो क्या करता था, वो कोशिश करता था कि वो सबसे पहले वहां पर जाए और उनके जो गुसलखाने हैं उनको वो साफ करता था। हमने इसीलिए You see, he was setting the example. देखिए यहाँ पर हमें वो मिसाल नजर आ रही है जैसा कि खुदा यीशु मसीह ने खादम की सूरत में पूरा करके दिखाया, उसी तरह ये खुदा का बंदा भी वैसे ही खिदमत सर अंजाम दे रहा है। You see, it's easy for us to talk,
But it's very important but to lead by doing, not just by talking. ये बहुत ही आसान है कि हम इसके बारे में बात करें, और बहुत ही आसान है कि हम क्यादत भी लें, लेकिन ये इस क्यादत को संभालना, क्यादत पे आपको वो तमाम अमल सर अंजाम देने जो मतलब जो हकीकी तौर पर सर अंजाम देने लाजमी है, उनको असल जो मंजरे आम तक पहुंचाना ही एक हकीकी काम है। और इसी तरह जब हम कलाम बयान करते हैं, बयान करना और अमली तौर पर करना ये एक असल काम है। It's interesting that Jesus spent a lot of time praying, studying, reading the Bible. ये दिलचस्प बात है कि खुदावंद यीशु मसीह अपना जो ज्यादा वक्त था वो गुजारते थे तालीम देने में और खुदा के कलाम को पढ़ने में और अच्छे काम यानी लोगों की खिदमत करने। And so when he came to speak, his mind was full of the Holy Spirit and full of the Word of God. और जिस वक्त खुदा यीशु मसीह कलाम करने पर आए, उस कलाम को लोगों में बयान करने पर आए, बोलने पर आए, तो क्या हुआ? हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह का दिल और खुदा यीशु मसीह का जो दिमाग था वो पूरी तरह से रूह कुदस से भरा हुआ था। Jesus seemed to give some very well thought out lessons. खुदा यीशु मसीह यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं कि वो जो भी कलाम बयान करता था बड़ा ही सोच और विचार के बाद उस कलाम को बयान करते थे। You could say he gave very organized teachings with very clear points. आप कह सकते हैं कि वो खुदा यीशु मसीह कलाम को यानी तरतीब को जो तलीम थी उसको बड़ी ही तरतीब के साथ और बहुत वाजिया निकात के साथ उसको बयान करते थे। If you read Matthew chapter 5, you'll find the great Sermon on the Mount. जब आप मत्ती उसके पांचवें बाब को पढ़ते हैं तो आपको पहाड़ी वास पे जो खुदा यीशु मसीह ने कलाम बयान किया था, तलीम दी थी, दर हकीकत वो मिलती है। And about 8 times he says, "Happy or blessed are those who are spiritually needy, for the kingdom of heaven belongs to them." और यहाँ पर 8 मरतबा खुदा यीशु मसीह ने उन लोगों को मुबारक कहा है, और खुदा यीशु मसीह ने इस बात को बयान किया है कि मुबारक है वो जो दिल के गरीब है क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हें की है। And that's been called the secret of happiness, that first in chapter 5, because it's all about how we can find happiness through our Lord Jesus Christ. और ये जो मुबारक बातियां हैं ये हकीकत में आपकी जिंदगियों में खुशी के साथ और बरकतों के साथ जिंदगी गुजारने की कुंजी है, क्योंकि इसका जो पांचवा बाब है वो इसी इसको मुबारकबादियां इसीलिए कहा जाता है कि आपकी जिंदगियों में आपको खुशहाली के साथ जिंदगी गुजारने का मौका बख्शती है और तरतीब बयान करती है। And the people he spoke to, they would have felt very poor, and they would have felt very needy. और यहाँ पर जिन लोगों के बारे में बयान किया गया है खुदा यीशु मसीह यहाँ पर हम कलाम होते हैं उन लोगों से जो गरीब हैं, जो बड़े ही ज्यादा अफसुदा है, गमगीन है, खुदा यीशु मसीह उनको यहाँ पर तसल्ली देते हुए नजर आते हैं। And Jesus put one truth upon another truth, and then he said, "Happy are the pure in heart, for they'll see God." और खुदा यीशु मसीह यहाँ पर जब इसको तरतीब से बयान करते हुए कहते हैं कि मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। So it's very wonderful. So that's something else you can read. Read Matthew chapter 5, 1 to 10 in your own time, and you'll find a great blessing there. और याद रहे कि आप इसको जाती तौर पर लाजमी पढ़ें, पांचवा बाब उसकी पहली आयत से 10वीं आयत तक, और ये आपके लिए 22 बरकत ठहरेगा। Then number 6. छठे He नंबर पर हमारे पास आता है Jesus compared things. He used comparisons. यहाँ पर जो हमें छठा नंबर मिलता है वो मिलता है कि मुआजना, उन चीजों के साथ मुआजना जो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं उनके साथ। Remember, we said
About the mustard seed, well, in Matthew 13:31, Jesus said to the crowd, "The kingdom of heaven is like a mustard seed." पर यहाँ पर जब हमें मत्ती तेरवा बाब और उसकी 31वीं आयत को पढ़ते हैं तो हमें एक तमसील मिलती है, वहां पर खुदा यीशु मसीह राई के दाने की मिसाल देते हैं। In John chapter 6, verse 35, he says, "I am the bread of life." और यहाँ पर यूहन्ना की इंजील में हमें खुदा यीशु मसीह बयान करते हुए नजर आते हैं, वो कहते हैं कि मैं जिंदगी की रोटी हूँ। He said to his disciples, "You are the light of the world." और खुदा यीशु मसीह यहाँ पर अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुम इस दुनिया के नूर हो। When you compare one thing with another, it really helps people's minds to understand it. पर जब आप एक चीज का मुआवजा दूसरी चीज से करते हैं तो ये आपकी मदद करता है, लोगों की भी मदद करता है कि वो इसको आसानी से समझ सके। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे उर्दू की क्लास में तशबीह देना, ये बिल्कुल वैसे ही है, आप एक चीज को दूसरी चीज के साथ तशबीह देते हैं। It makes difficult ideas easier to understand because people often think in pictures. क्योंकि जो ये लोगों को समझाना और उनको इस बात की यकीन दहानी कराना बहुत ही आसान हो जाता है, वो तस्वीरों को देखकर आसानी से समझ जाते हैं। जब आप तशबीह देते हैं या मुआजना करते हैं एक चीज का दूसरी चीज के साथ, तो वो उनके दम जहनों में एक तस्वीर सी बननी शुरू हो जाती है। Then number seven, he repeats important ideas, important truths. और सातवें नंबर पर हमारे पास आता है अहम ख्यालात, वो खुदा मेरे से दोहराते थे। I used to be a school teacher, and I know that by teaching young people, the way to help them is to keep repeating things until it sinks in to their minds. और मैं चूंकि पेशे के अतबार से मैं एक स्कूल टीचर था और मैं इस बात को बखूबी जानता हूँ कि जब भी हम नौजवानों को पढ़ाते हैं तो उन्हें जब सबक दिया जाता है, जब तक उसको दोहराया बार बार उनसे दोहराया नहीं जाता कि आप इसको दोहराएं, उतनी देर तक वो उनके जहनों में नक्श नहीं करता, तो उनको सबक याद कराने के लिए उस सबक को बार बार दोहराया जाता था। In one school where I was teaching, we almost used to sing. We used to go through the multiplication table, and the children would know it off by heart. They could say it. और एक जो स्कूल में वहां पर जब मैं पढ़ाने जाता था, वहां पर क्या हुआ कि वहां पर जो जर्ब यानी जब हिसाब का क्लास होती थी यानी मैथ्स की क्लास होती थी, वहां पर बच्चों को उसको समझाने के लिए पढ़ाने के लिए क्या किया जाता था कि उसको वो आधा आधा करके तरतीब किया जाता था। We would say things like, once two is two, two twos are four, three twos six, and it would go on like that all the time. और जब उनको टेबल याद करवाया जाता था तो वो इस तरह से करवाया जाता था कि 2 1s are 2, 2 3s are 6, इस तरह करके आधा आधा करके उनको पढ़ाया जाता था कि उनको जर्ब याद रहे कि किस तरह आपने जर्ब देनी है, और उसको भी हम उस टेबल को भी आधा आधा करके याद कराते थे कि यानी कभी 2 से 5 तक करा लिया और 5 से 10 तक, और फिर पूरे को बार बार दोहराना। Often, Jesus would say, "Love one another." In John chapter 13, for example, he says, "Love one another." और यूहन्ना उसके 13वें बाब में खुदा यीशु मसीह बयान करते हैं और बार हाँ बार अक्सर खुदा यीशु मसीह एक ही बात को बयान करते नजर आते हैं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। When John wrote his letter, the first letter of John, he keeps repeating certain truths again and again, but he uses different words, but he goes round in a circle, repeating, repeating, repeating. पर जब हम यूहन्ना के अदूत को पढ़ते हैं तो उसके पहले खत से उसके आखिरी खत तक जब हम देखते हैं तो वो एक दायरे की तरह उसने खत खत को लिखा है, यानी यूहन्ना के खतों को वो इस वजह से उसने उनको इस तरह से लिखा कि उसने तरतीब दी है कि उसने हर एक बात को दोहराया है ताकि
लोग जब एक बार उसके हथूत को पढ़ें वो कभी उसको भूल ना सके। That's what you find in a lot of popular music and also in Christian music. There might be a line which is repeated, and that's how you remember the song. और आपको उसके अंदर बहुत सारे कहले, उसी के बाइस आपको उसमें बहुत सारे मशहूर सॉन्ग मिले, गीत मिलेंगे, और मसीही गीत मिलेंगे, जो यानी मसीही गीत उस तरह से, जब आप मसीही गीतों को सुनते हैं तो उनके जब अंतरे होते हैं वो आप सुन रहे होते हैं तो वो दोहराए जा रहे होते हैं, कुछ वो आपके जहनों में बैठते जाते हैं और आपको वो याद रहते हैं। ठीक इसी तरह उसने खतूत भी लिखे एक गीत की तरह। Another method of Jesus in number 8 is he adapted what he was saying or adjusted what he was saying to whichever audience, whoever he was speaking to. और खुदा यीशु मसीह ने जो आठवां तरीका बयान किया है वो है कि साइमीन के मुताबिक होना, यानी कि जो आपकी आवाम है वो क्या सुनना चाह रही है और वो किस तरह के जहन, यानी किस तरह की जहानत के मालिक है, क्या उनके तासरात चल रहे हैं, उस जो सूरत हाल होगी उस सूरत हाल के मुताबिक खुदा यीशु मसीह उनको तालीम देते थे कि वो तब्दील किए जा सके। Jesus spoke differently to crowds, to Pharisees, and to his disciples. खुदा यीशु मसीह जब फरीसियों के साथ और बहुत सारे मजमे के साथ या अपने शागिर्दों के साथ हम कलाम होते थे तो वो हर हर एक मौके पर हर एक लोग शख्स के मुताबिक खुदा यीशु मसीह तालीम देते थे। You have to adapt your teaching to fit the understanding of the people who are listening. आपने अपनी जो तालीम है जब आपने उनको लोगों में बयान करना है तो आपने उनको उस तालीम को लोगों की समझ के मुताबिक बयान करना है कि लोग उसको समझ भी सके। Jesus sometimes used silence. This is number 9. He used silence. और नवा जो नंबर हमारे पास आता है वो आता है खामोशी का इस्तेमाल। खुदा में यीशु मसीह मोहतद बार उन्होंने खामोशी का इस्तेमाल करते हुए भी हमें दिखाई देते हैं। Sometimes, if you speak, you can pause. You no need to be speaking all the time. You can stop and give people time to think about what you said. पास का जब आप हम कलाम हो रहे होते हैं, बयान कर रहे होते हैं तो उसमें आपको चंद एक लम्हे आपको खामोश रहने की भी जरूरत होती है कि आप लोगों को वक्त दे सके कि वो सोचे और कुछ कह सके। Even when Pontius Pilate questioned Jesus in Matthew chapter 27, Jesus kept silent. और यहाँ पर हमें मत्ती उसके 27वें बाब और 34वीं में हमें मिलता है कि खुदा यीशु मसीह जब पिलातुस ने खुदा यीशु मसीह से सवालात किए तो खुदा यीशु मसीह उस वक्त भी खामोश रहे थे। Silence can be very powerful. इट्स ट्रू। देखिए खामोशी जो है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो सकती है। Allow quiet moments so people can think about what they've been hearing. और चंद लम्हे के लिए, कुछ लम्हे आप लोगों को इस बात के का मौका दें कि वो आप जिस वक्त आप खामोश हो तो वो बड़ी ही सुकून के साथ वो कुछ सोच सके और कुछ समझ सके या सीख सके। And then number 10, Jesus challenged people. और जो 10वां नंबर हमारे पास आता है वो आता है कि लोग उदाहरण से लोगों को चैलेंज करते थे, लोगों से दावा करते थे। He challenged them because he wanted them to grow spiritually. वो उनसे इस बात का दावा करते थे क्योंकि खुदा से ये चाहता था कि लोग जो है रूहानी तौर पर बढ़ोती पाए। He challenged the Pharisees because they were being hypocrites. और जो फरीसी थे वो दर हकीकत मुनाफिकत का शिकार थे, तो खुदा यीशु मसीह उनको भी इस बात का चैलेंज करते थे कि वो भी खुदा के रूप को जान सके। But when Jesus spoke to sinners, he was very kind. और खुदा यीशु मसीह जिस वक्त गुनाहों के पास, गुनाहगारों के पास आते थे
तो उनके बारे में जब भी वो बात करते थे तो उनके लिए खुदा यीशु मसीह बहुत मेहरबान था। So I'd like you, as your homework, to think about these different methods Jesus used. और आपका जो घर का काम है वो ये है कि आप खुदा यीशु मसीह के जो आज आपने 10 ये नुक्ते हासिल किए हैं, वो नुक्ते जो खुदा यीशु मसीह अपनी तालीम देने यानी बातचीत करने के दरमियान इनका इस्तेमाल करते थे, ध्यान रखते थे, आप इनके बारे में सोच के आए, इनके बारे में पढ़ के आए कि खुदा यीशु मसीह मजीद किस तरह से क्या काम करते थे। So, just to summarize it, it was telling stories, asking questions. और इस बात को हम इसको इख्तिताम करेंगे आज की इस क्लास को, वो इस तरह से है कि जब भी आप अपने कलाम को या जो आप तालीम दे रहे हैं उसको जो आप इख्तिताम करते हैं या आगाज करते हैं उसमें यही बात आपने याद रखनी है, कहानियां सुनानी है आपने, लोगों से सवाल पूछने हैं और And leading by example, helping people understand to remember important points. मिसाल के तौर पर आपने उनकी रहनुमाई करनी है, आपने लोगों के साथ जो अहम सबक हैं उनको समझाना है, उनकी उनको याद रखने में जो चीजें मदद दे, आपने इस तरह की चीजें उनके साथ उनके दरम्यान पेश करनी है। And I want to give you five questions to think about and see if you can find the answers to by next time. और अगले हफ्ता के लिए मैं आपको 5 सवाल दूंगा कि वो आप जाती तौर पर इनको देख के आए जो आपकी मदद करें अगले हफ्ता के लिए। You might want to make a note of this, but anyway, the first one is, why did Jesus often use stories in his teachings? पहला सवाल है वो ये है कि खुदावन यीशु मसीह क्यों अपनी कहानियों में अक्सर यानी अपनी तलीमात में अक्सर कहानियों का या तमसील का इस्तेमाल करते थे। Number two, how did Jesus encourage people to think deeply about their beliefs? और जो दूसरा नंबर है वो ये आता है कि खुदावन्द यीशु मसीह किस तरह लोगों की हौसला अफजाई करते थे और कि वो इस बारे में सोच सकें अपने अकीदे के बारे में, अपने ईमान के बारे में। And then number three, what is an example of Jesus using everyday life experiences to explain spiritual lessons? और जो तीसरा सवाल है वो ये है कि इसकी क्या मिसाल है खुदा यीशु मसीह जो रोजमर्रा की जिंदगी के तजुर्बात के बारे में रूहानी सबक जो उनको समझाने की कोशिश करते थे वो क्या है। And how did Jesus show the importance of leading by example? और खुदा यीशु मसीह ने किस तरह से इस बात को वाजिया किया कि हर रोज आप जब मिसाल देते हैं यानी जब आप क़यादत में हैं तो आप मिसालों के जरिए तालीम दे रहे हैं, ये किस तरह अहम है या क्यों अहम है। And what number five, what was the purpose of Jesus repeating important ideas in his teachings? और जो 5वां सवाल है वो ये है कि खुदा यीशु मसीह का क्या मकसद था कि जिस वक्त वो अपनी तालीम दे रहे हैं अपने ख्यालात को जो दुकरा रहे हैं उसके बारे में क्या मकसद था, यानी तालीम को बयान करते और उसकी दोहराई करवाना उसके बारे में क्या मकसद। Now I've done the first one for you here. Why did Jesus often use stories or parables in his teachings? और जैसे कि हमने पहला हिस्सा किया और अब सवाल भी हासिल किया कि खुदा यीशु मसीह अक्सर अपनी तालीमात में क्यों कहानियों का या तमसील का इस्तेमाल करते थे, And here would be a good answer. और इसके लिए एक शानदार जवाब है। Jesus used stories because they made complicated or complex spiritual ideas simple and easy to understand for everyone. और इसका जवाब ये है कि खुदा यीशु मसीह इसलिए कहानियों का और तमसील का इस्तेमाल करते थे कि वो जो है वो पचीदा यानी वो आपकी रूहानी जो साख्त है उसको रूहानियत में तब्दील करती थी और आपको ख्यालात को आसानी से समझने में हर एक शख्स के लिए मददगार साबित होते थे। Now I've sent my notes and these questions to Dr. Charles so he can think about how he can let you look at them and
see how you could answer them yourselves, because it's good to test yourself. Hello? You can Hello. go through. Hello? We have a little blackout. We've lost Oh, Mavish. beautiful teaching, Keith. Thank you so very much. Very inspiring teaching. It's so interesting, isn't it, the way Jesus did things? Oh, Fascinating. I'm it fascinated is. by it. I've It is very fascinating. got a lot to learn from just the studying what Jesus did. Awesome. So if you were able to let someone coordinate they can look at the questions or, Yes. and I've given suggested answers for them. Sure. Let's see. Pastor Nadim is there. I believe he would like to share something. Let me. Hello, Pastor Nadim. Yes, sir. Yes, sir. पिछले दिनों आई थिंक 2 दिन पहले इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाया गया, और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहे थे कि ग्लोबल मिशन में जितने भी टीचर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा मेहनती और काबिल हैं, और खुदावंद ने हमारे लिए गिफ्ट रखा है ताकि हम उनसे सीख सकें। और आज खास तौर पर जब सर कीत कैली पढ़ा रहे थे और जब मैं उसको बड़ी बारीकी से देख रहा था, तो एक 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 मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे आया। एक हमारे हमने ग्लोबल प्रेयर ग्रुप बनाया हुआ, तो उसमें ना 20 किसी ने कलीसिया की तरक्की ना होने की वजूहात लिखी है। तो मैं सोच रहा था कि काश हम कलीसिया को तरक्की की 20 राज बता सकें, चाहे कि हम लोगों को क्रिटिसाइज करें और इस तरह के पैगाम तैयार करें कि जिनसे वो हर्ट हों और वो तकलीफ महसूस करें। ऐसे पैगाम या ऐसी चीजें तैयार की जाएं जिनसे उनको हौसला मिले, तसल्ली मिले और वो खुदा के कलाम को बेहतर तौर पर सीख पाएं। तो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हो रहा था कि हमें खुदा ने ऐसे ही साधन मुहैया किए हैं जो हमें हमेशा शाबाश देते हैं, पुश करते हैं और तरक्की की तरफ वो हमें लेकर जाते हैं। तो ये मैं जरूर शेयर करना चाह रहा था। थैंक Thank you. यू सर। Pastor Nadim is sharing that 2 days ago we had, I think, Teachers Day, Teachers International Day, and he's thanking God that God has blessed us with the wonderful dynamic teachers like Keith Kelly. And Keith, I must say, if we were in one place, the student would just give you a big hug. And Yes. he's saying that how we can grow. And, he just got the text message on his WhatsApp, how we can grow and how can the church move forward with growth and spiritual maturity. And he said, once we preach wonderful message to encourage, that will build people up. Yes. Yes. And your dynamic teaching, how to use example and stories and comparison, asking question and being silent and all those different through the wonderful life of Jesus. That was very, very inspiring. Yes. Oh, thank you. Yes. Thank you. Thank you. Thank you, Pastor Nadine. Amen. Thank you, sir. Thank you. Yes. We'll send you the question and you will have it and you answer those questions. Now, this is communication skill through the life of Jesus. Amen. Very, very powerful. And आप we'll सबको have जो that, booklet translated
entire booklet in to Urdu or in whatever language we will be using and have it printed very soon. और आज की तालीम जो कि हम मुवासलात पर हासिल कर रहे थे, आप सबको उसके जो आपके असाइनमेंट से आपने जो काम करना है वो आप तक जल्दी पहुंचा दी जाएगी। Thank you, Mavish, for your I'm so sorry. powerful, Yes. powerful translation. Thank you so much. Yes. We are so proud of you. And that was very clear. You know, the teaching was so clear, and then your translation was so clear and real. It's honestly, it's honor for me, and Thank credit you. goes to Global Mission Bible College. Oh, It's praise just because God. of you guys. Thank you so much. Thank you. Well done, Mavish. Well done. Yeah, thank you so much, Keith. It's always pleasure for me working with you. Thank you. Yes. Thank you. Great. So God bless you and see you Hallelujah. next week. Have a wonderful week, खुदावंद first आप year and सबको second कसर से बरकत year, दे। and see you tomorrow for the third year class and fourth year. And यस tomorrow we will ha also check on your writing. Fourth year students, खुश। listen very carefully. और आप सबसे कल मुलाकात होगी, यानी थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर Yes. से, और जो जो फोर्थ ईयर जो अपने थीसिस पर काम कर रहे हैं वो भी कल चेक होगी, और बाकी थर्ड ईयर एंड और सॉरी फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर से अगले हफ्ता मुलाकात होगी। Awesome. And if you और need any help with your writing, our teacher Keith is available. Yes. अगर आपको किसी भी And तरह की किसी our मदद dean की is जरूरत है तो available. I am हम available. पास्टर चार्ल्स, सकीत एंड आदि वो सब आपके लिए हाजिर है। Yes. Great. God bless you. यू Love गॉड you. ब्लेस यू एवरीवन। बाय Okay. Thank you, Keith. बाय। Bye थैंक यू। bye. बाय बाय।